साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में चार बहनों के बीच इकलौते भाई थे। भाई भी ऐसा जो अपनी बहनों पर जान छिड़कता था और बहनों के लिए तो सुशांत ही पूरी दुनिया थे। अब जब फैंस को सुशांत के यूं जाने का गम अब तक खल रहा है तो उस परिवार पर उन बहनों पर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि फैंस के लिए तो सुशांत सिर्फ एक एक्टर थे मगर सुशांत के परिवार के लिए सुशांत उनकी पूरी दुनिया थे, जो कि 14 जून को बेरहमी से खत्म कर दी गई। अब तक इस मामले में कम बोलने वाली और चुप रहने वाली सुशांत की बहनें अब खुलकर सामने आ गई हैं और बॉलीवुड के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सुशांत की एक बहन ने तो एक के बाद एक कई ऐलान कर दिए और यकीन मानिए इस बार सुशांत की बहनें बेहद गुस्से में हैं, क्योंकि उनके भाई को गए 10 महीने हो गए और अभी तक कुछ नहीं बदला, ना तो इंसाफ मिला ना बॉलीवुड में कुछ बदला और सुशांत के गुनहगार भी आजाद घूम रहे हैं। तो सुशांत की बहन के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि सुशांत की जांच में जरूर जल्द ही बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। तो क्या क्या कहा सुशांत की बहन ने आपको एक के बाद एक सारी बातें बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और सुशांत की बहन की कही बातों पर अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत का परिवार आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। अपने इकलौते भाई को खो देने का गम उनकी बहनें अक्सर शेयर करती रहती हैं। मगर अब सुशांत की बहनों को पता चल चुका है कि सिर्फ दुख में या गम में रहने से कुछ नहीं होगा। अगर सुशांत को इंसाफ दिलाना है तो खुलकर जंग लड़नी होगी। इसीलिए सुशांत की बहन प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट कर बॉलीवुड, न्याय फिल्म के मेकर्स और CBI तीनों को लेकर काफी कुछ कह दिया और सुशांत की इमेज खराब करने वालों को तो कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे डाली। सुशांत की बहन प्रियंका ने लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में प्रियंका सिंह ने न्याय द जस्टिस फिल्म के मेकर्स को लपेटा। प्रियंका सिंह ने ट्वीट कर मेकर्स को जमकर खरी खोटी सुनाई, जो सुशांत की मौत को लेकर अमानवीयता दिखा रहे हैं। गुस्साए प्रियंका ने ट्वीट किया, इस दर्द ने हमारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। ये हमारे परिवार के सबसे प्यारे सदस्य के खोने का दर्द है, जो अभी भी उतना ही गहरा है, मगर कुछ लोग हमारे दुख का फायदा उठा रहे हैं और अपनी गलत भावनाओं को पूरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्रिमिनल कहा जाना चाहिए। पेशे से वकील प्रियंका ने साफ कह दिया कि मृत सुशांत के नाम पर फायदा उठाने वाले और गलत प्रचार करने वालों को क्रिमिनल की श्रेणी में रखा जाएगा और वो इस पर एक्शन भी लेंगे। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ऐसी हरकतें न सिर्फ हमारी प्राइवेसी में दखल देती हैं, बल्कि हमारे प्यारे भाई सुशांत का नाम भी खराब करती हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आखिर हम कैसे खुद को इंसान कह सकते हैं जब दूसरों से सहानुभूति नहीं रख सकते, तो कम से कम उन लोगों के लिए अमानवीयता तो मत दिखाओ, हम आपको कोर्ट में देखेंगे। अब ये दूसरा ट्वीट प्रियंका का बॉलीवुड के लिए था, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि कुछ लोग सुशांत का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें सुशांत की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सुशांत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका ने साफ साफ कह दिया कि हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रियंका ने इशारों इशारों में कह दिया कि न्याय द जस्टिस मूवी के पीछे बॉलीवुड की लॉबी का हाथ है। प्रियंका ने साफ कह दिया कि ऐसा करने वाले लोगों को कोर्ट तक घसीट कर लेके जाएंगी, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं प्रियंका ने अपने इन ट्वीट्स के साथ ही हैशटैग यूज किए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वहीं इधर सामने आया है कि प्रियंका सिंह CBI की धीमी जांच प्रक्रिया से भी नाखुश हैं, क्योंकि प्रियंका वकालत से ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए वो अंदर की सारी बातें जानती हैं। तो सोर्सेज की माने तो प्रियंका जल्द ही CBI की जांच को लेकर भी आगे स्टेप उठा सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की कहानी पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें कुछ दृश्यों में सुशांत को नशे का आदि दिखाया गया है। अब जब सुशांत को किसी ने ऐसा करते नहीं देखा, सुशांत की ऐसी कोई व्हाट्सएप चैट भी सामने नहीं आई, NCP ने अब तक कम से कम 100 से ज्यादा ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा है, किसी ने भी सुशांत का नाम नहीं लिया, तो भला इस फिल्म के मेकर्स कैसे सुशांत को ड्रग का आदि दिखा सकते हैं।
मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती ने जो जो मनगढ़ंत कहानियां बताई उसके आधार पर न्याय द जस्टिस के मेकर्स ने फिल्म बना डाली। तो क्या न्याय द जस्टिस मेकर्स के पीछे भी बॉलीवुड के गैंगबाजों का सपोर्ट है जो जानबूझकर सुशांत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती को भी बॉलीवुड का पूरा सपोर्ट है। ऐसे में ऐसी फिल्म बनाने वालों को भी बॉलीवुड का सपोर्ट जरूर मिला होगा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर सुशांत की बहन का गुस्सा उतरा। वैसे आपको क्या लगता है, सुशांत की बहन क्या बिल्कुल सही दिशा में जा रही है? वो बॉलीवुड की चालबाजी को समझ चुकी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो फिल्म न्याय द जस्टिस में दावा किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत पर बनी फिल्म है। सुशांत की मौत की परिस्थितियों को इसमें दिखाए जाने का दावा किया गया है। इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है। टीजर में कई बड़े बड़े चेहरे भी दिखे जैसे अनु कपूर, सुधा चंद्रन और शक्ति कपूर। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका जुबेर निभाते हुए नजर आए, जबकि रिया चक्रवर्ती का किरदार श्रेया नाम की एक्ट्रेस करती नजर आ रही हैं। करीब 55 सेकंड के टीजर में सुशांत और रिया को दिखाया गया है। टीजर पूरी तरह से सुशांत की मौत कैसे हुई इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। अब टीजर के आते ही फैंस बेहद गुस्सा हो गए हैं, फैंस पूरी तरह भड़क गए हैं और फिल्म के मेकर्स को लेकर फैंस ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब आपको बारी बारी वो सभी सवाल दिखाते हैं जो कि फैंस ने मेकर्स से पूछे हैं, और अगर उनके जवाब नहीं मिलते हैं तो फिल्म का बैन किया जाना लगभग तय हो चुका है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर मेकर्स को सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाने का हक किसने दिया, जबकि सुशांत के पिता पहले ही एक रिटर्न लेटर के जरिए साफ साफ कह चुके हैं कि सुशांत से जुड़ा कोई भी फैसला उनके या उनकी बेटियों के परमिशन के बगैर नहीं लिया जा सकता। तो भला इस फिल्म को बनाने वाले मेकर्स ने सुशांत पर फिल्म बनाने की हिम्मत कैसे कर दी? क्या मेकर्स के पीछे किसी बॉलीवुड लॉबी का हाथ है? जी हाँ, फैंस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस फिल्म के मेकर्स के पीछे किसी बॉलीवुड माफिया का हाथ है जो कि सुशांत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? फैंस का दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जब सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई ने ना तो अब तक रिपोर्ट तैयार की है ना चार्जशीट दायर करवाई है, मतलब सीबीआई को भी ये नहीं पता है कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। खुद सीबीआई की टीम खुदकुशी और मर्डर दोनों एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई की तरफ से भी एक जारी लेटर में साफ साफ कहा गया था कि जांच अभी तक किसी भी एक पहलू पर नहीं पहुंची है, दोनों ही एंगल पर सीबीआई की जांच जारी है। तो मेकर्स ने कैसे पहले ही फिल्म बना डाली और कैसे तय कर दिया कि सुशांत के साथ क्या हुआ था? फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।